गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल की 2018 में आए हुए रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस में के बारे में। यहाँ पे देखिए, पहला सेंटेंस लिखा है फिट कीप्स एक्सरसाइज अस रेगुलर। इस सेंटेंस को देख देख के आप शायद दो वीडियो मैंने बनाई और आपने देखा कि ये सेंटेंस दोनों बार आया, 2018 में फिर आया, कई बार आ चुका है, तो आप समझ पा रहे होंगे इसको कैसे बनाना है। रेगुलर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि अस को आगे रखें या फिट को पीछे रखें, या फिट को आगे रखें या अस को रखें। तो मैंने आपको दोनों वीडियो में बताया, एक में फिट करके रखा, एक में अस करके रखा। एक्चुअली दोनों ही सही है, कोई कहीं भी कुछ भी आप रख सकते हैं। फिट रखने का मन है तो फिट रख दीजिए, और अस रखने का मन हो तो ये लिख दीजिए। ओके, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है आपका सी इन द रिवर इंजॉय स्विमिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है सी, फिर वर्ब लिखिए इंजॉय, प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है, एस ओ एस आया हुआ है। वह इंजॉय करती है, क्या इंजॉय करती है, स्विमिंग। कहाँ, इन द रिवर, नदी में। बताइए, दो दो नंबर के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अगर बच्चे से हो पाए तो थोड़ा सा शेमफुल वाली बात है कि अगर थोड़ा सा भी बच्चा पढ़ ले तो हो जाएगा। मी गिव ईट टू समथिंग प्लीज, ये तो शायद अभी कल ही वाले में बताया था, आज फिर वहीं आ गया। तो यहाँ पे लिखिए प्लीज़ गिव मी, कल शायद यहाँ पे हिम था, आज यहाँ पे मी आ गया। समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है वी ग्रेट रिस्पेक्ट आवर शुड फॉर टीचर हैव। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट। फॉर आवर टीचर, या हमें जो है अब हमारे टीचर्स के लिए या अपने टीचर्स के लिए एक बड़ी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट है मंडे टू संडे फ्रॉम आउट ऑन आ टूर वॉज ही। तो इसको जो है आप सब्जेक्ट ढूंढिए, इसमें ही है ना, ही के बाद हेल्पिंग वर्ब देखिए ही वॉज, उसके बाद वर्ब देखिए क्या है आउट, ही वॉज आउट ऑन अ टूर, he was out on a tour from Monday to Sunday. It's very easy, बिल्कुल भी दम नहीं सेंटेंसेस में, कई बार वही सेंटेंस बार बार पूछे जा रहे हैं। थोड़ी मेहनत करी जाए तो हम एक अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। ओके ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।